कुर्सला थाना क्षेत्र के मिल्की गांव के 12 नंबर वार्ड में चूल्हे से निकली चिंगारी से लगी आग में 7 परिवार के 8 घर जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर खाना बनाने के क्रम में चूल्हे से निकली चिंगारी से एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग बेकाबू होकर लगभग आधा दर्जन से अधिक घरों में भीषण आग लग गई। भीषण आग ने गाँव में अफरा तफरी का माहौल कर दिया। लोग जान बचाकर घरों से निकलकर भागने लगे। आग की लपेट और आग की तपीश से ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई। आग लग गई और आग चीख पुकार से आसपास के ग्रामीणों ने आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि ग्रामीणों के द्वारा बुझ पाना काफी मुश्किल था। घटना की जानकारी कुर्सला थाने को दी गई। जानकारी पर कुर्सला पुलिस ने मिनी दमकल लेकर घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। इस मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार पप्पू ने बताया कि खाना बनाने के क्रम में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने की वास्तविक कारण का पता नहीं चल पाया। घटना की जानकारी अंचलाधिकारी को दी गई है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द उचित मुआवजा मुहैया कराने की मांग करते हैं। तत्काल पीड़ित परिवार को पॉलिथीन सीट व सूखा राशन मुहैया कराया जाए। वो माँ गाय था उसी में उसके बचाने में। कैसे आग लगा है पूरा बताइए, पूरा बताइए। आग लगा है उस टाइम हम नहीं थे, लेकिन जब आग लग गया बाद में आए थे। ये क्या आग बुझाने में जले है क्या? जी कहाँ कहाँ जला है? पैर में जला है और इधर मुंह जला है, गाल और हाथ जला है। क्या नाम है? पंचलाल साहब। जी भैया, आग लगा है कैसे, क्या घटना है? ये मुरादपुर पंचायत समेली प्रखंड अंतर्गत आता है, वार्ड 12 में मिल्की नवाबगंज गांव में। आज सरद गर्म का जो मौसम है, शाम में ठंड हो जाती है, दिन में धूप काफ़ी तेज हो जाता है, उसी वजह से जो है लोग जो अपना चूल्हा वगैरह को सही ढंग से ठंडा नहीं कर पाए, उसी चिंगारी से पूर्ण रूपेण मैंने पता नहीं हो पाया है क्या है, लेकिन यही वजह है कि घर की चिंगारी से ही ऐसी आशंका जताई जा रही है। ऐसी आशंका मैंने यहाँ के लोगों के द्वारा अभी सुनने में आया है, और अभी बात करने पर पता चलेगा किस तरह से ये आग। कितने घर चपेट में हैं? ये अभी 8 से 10 घर हैं, कुछ एक दो बासा भी हैं, कुल मिला के 12-13। किस तरह का परिवार है ये सब? काफ़ी हम हैंड टू माउथ मैंने कमाने खाने वाले सब घर परिवार हैं। क्या क्या नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है? मोटा मोटी सभी से 2 से 2.5 लाख का मैंने नुकसान यहाँ पर अभी है, जिसमें कि एक इसका पूरा माल मवेशी को बचाने में इसका पूरा हाथ पैर भी जल चुका है, सामने आप देख भी रहे हैं। क्या मांग रहेगी जिला प्रशासन से? जो उचित मुआवजा होता है, जो उचित मुआवजा मिल जाए। अब तो बेघर हो गए 10 परिवार लगभग, अभी लोग अब तत्काल हम लोग जो है अंचलाधिकारी से पॉलिथीन सीट का मांग किए हुए हैं, वो पॉलिथीन सीट आ जाता है, इनको पॉलिथीन सीट तत्काल दिया जाएगा, फिर जो नियमानुकूल होगा वो सुविधाएं इनको मिलेगी। जी परिचय में काफ़ी कुर्सला थाना का काफ़ी सराहनीय भूमिका रहा, फ़ोन पर तुरंत उन्होंने छोटा दमकल और बड़ा दमकल को भी खबर करके जल्द से जल्द भेजने का काम किया, इसके लिए मैं थाना कुर्सला को भी धन्यवाद देता हूँ। जी आपका परिचय? मैं संतोष कुमार पप्पू, प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हूँ।